भाई ने एप्पल के आईपॉड्स दिए भाई, पूरे 20,000 का गिफ्ट करा है मुझे, पूरे 20,000 का, आज इसी को लगा के। थैंक यू, लव यू। सर्विस करते ही निकला है, तो अब ग्रीस करानी है, तो ग्रीसिंग है जो वो हो रही है करा रहे हैं भाई ग्रीसिंग, और मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपू खान, होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बहुत ही बढ़िया से होंगे। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, पहुँच आए थे हम कानपुर मंडी, तो अभी मंडी में अभी सुबह उठे जस्ट नाउ, फ्रेश वगैरह होके आगे, तो अभी गाड़ी में 200-300 बॉक्स हो चुका है ना खाली, तो 200-300 बॉक्स हो चुका है खाली, तो 400 बचे, तो 10 बजे के बाद लगेगी मंडी, तो फिर देखते हैं हो जाए खाली, तो यहाँ से निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब, इंस्टा फेसबुक पेज को भी कर दे फॉलो, और आपका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, भाई भी साथ ही है, तेरी गाड़ी हुई खाली? हाँ अभी नहीं, मुझे तो मंडी नहीं करनी थी, सिर्फ तेरे लिए मंडी करी मैंने, मैं भी मंडी की। अरे बहुत बगाई भाई, भाई ने बहुत गाड़ी बगाई, कल सुबह इस टाइम हमारी रेस चल रही थी जैसे, तो पीते हैं पहले चाय, बाकी इधर हर प्रकार का फ्रूट आता है भाई, देख लो ये हो गया संतरा, ये हाँ संतरा, ये नहीं ये और कुछ है भाई, किन्नू एंड पाइनएप्पल, सबसे प्यारी पाइनएप्पल लग रही है ना। तो अपनी गाड़ी अभी खाली नहीं हुई है, मार्केट गए थे, अभी सेठा भाई की गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि इनके जो उस्ताद हैं अपने दोस्त हैं, कहाँ गए भाई? अरे बहुत मुश्किल से मिले, गाड़ी आ गए। तो बैठे ही थे, सोचा कुछ ले आए फ्रूट वगैरह, तो लाया फ्रूट। अच्छा वो वाली भाई, छोटे केबिन में एसी का ना मजा अलग ही, एसी चल रहा है गाड़ी में बहुत ही मस्त, करना जल्दी जल्दी हलाल इसको, हाथ नहीं काटना, प्लस अकेला है, कट गया, पपीता भी यहाँ, नींबू कहाँ रखे? तो वसीम भाई यार पता नहीं कहाँ से ढूंढ के पनीर ले आए, कहाँ से लाई भाई, टमाटर मिले? टमाटर मिले यार। और ये काट ही नहीं रही है, ऐसा क्या है? क्या बोलूं क्या यार, फ्रीजर में थी? फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में थी वही, मतलब इसमें वो लगा है, बर्फ है ना पूरी माइनस हो रखी है। तो हो चुकी है शाम भी, तो अभी गाड़ी में थोड़ा बहुत माल बचा है, तो उसके बाद दूसरी गाड़ी में कह रहे हैं पलटी करेंगे, थोड़ा सा बाल है सिर्फ, उतारो उतारो उतारो। तो सभी गाड़ियां हो चुकी हैं खाली, ये लगी हैं भाई अपनी सभी गाड़ियां, तो अब देखते हैं कहाँ निकलें, कुछ समझ नहीं आ रही है फिलहाल, अगर निकले तो दिल्ली के लिए निकलेंगे सभी, नहीं तो रात को यहीं पर रुकते हैं। भाई तो वैसे जल्दी है, भाई को बहुत हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ, तो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो आज भाइयों से रुख्सत का टाइम आ गया, निकलो तो आप करना लोड इंशाल्लाह, पीछे से आना, मिलेंगे फिर कल, भर जाए मेरी मेरे वाली गाड़ी, अगर मैं यहाँ से भर के जाऊँगा भाई मुझे बचना नहीं है कुछ, तभी मैं खाली दिल्ली भागूंगा, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ भाई वापस गाजीपुर मंडी, वहाँ से लद्दाख का ट्रिप होना होगा, तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अच्छा भाई इनको भी मिलते ना, हाँ इंशाल्लाह चलूं, मैं निकल रहा हूँ ठीक है, गोइंग टू दिल्ली, दुआ में याद रखना, खाना खाया अच्छे से, ऐसा तो करना है अपना काम ही है ऐसे, खाना हो गया तुम्हारा अच्छे से, ये तेरी निशानी है मेरे पास ठीक है, तेरी ये निशानी। एंड भाई ने एप्पल के आईपॉड्स दिए भाई, पूरे 20,000 का गिफ्ट करा है मुझे, पूरे 20,000 का, आज इसी को लगा के, थैंक यू लव यू, मैं व्लॉग में नहीं लाया था, हैप्पी जर्नी एंड थैंक यू, ओके मेरी जान, निकला मैं ठीक है, बाय बाय। तो निकल आया था मैं मंडी से, तो मिस कर रहा हूँ काफ़ी भाइयों को, और भाई को भी काफ़ी ज़्यादा इनको फील हुई, अपने महराज भाई एंड जाकर भाई वगैरह को, तो अभी चल रहा हूँ कंटिन्यू, 12 बज रहे हैं, तो खाना मैं खाऊँगा 1 बजे, और 1:30-2 बजे गाड़ी साइड लगा देंगे किसी अच्छे से ढाबे पर, और वहीं पे सो जाएंगे। वसीम भाई ना सो के है, मैंने ही बोला कि भाई सो जाओ, देख रहे हो भाई बस वाले की, अरे भाई साहब ये तो लाइव आपने देख लिया, मतलब बस वाले हर जगह रॉन्ग ही चलते हैं भाई, बहुत ही
ज्यादा गलत चलते, गलत भी नहीं चलते, इनकी टाइमिंग होती है, सब अपने अपने काम में टाइप बोल सकते हैं। तो देखता हूँ कहाँ तक चलता हूँ। तो गाइस बज रहे हैं रात के 2:30, कभी आगरा यहाँ से 30 किलोमीटर और है, तो कंटिन्यू मैंने 220 किलोमीटर तक गाड़ी में कोई भी ब्रेक नहीं ली, मतलब ब्रेक मीनस किसी जगह पे रुका नहीं, कंटिन्यू ड्राइव करता आया। तो मैंने सोचा रुकते हैं, टायर वगैरह चेक करते हैं और आगरा करता हूँ पार। तो अभी खाना भी नहीं खाया है, तो आगरा वगैरह पार करके ना तो फिर एक ही बार सो जाऊँगा, फिर देखते हैं कल का क्या रहता है। वसीम भाई तो सोए बाकी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मथुरा पहुँचा है, रात को तो मैं सो गया था अपना आगरा पार करते ही, तो अभी इधर जाम लगा हुआ है, घोड़ा मेरे ख्याल से घोड़ा ही है, देख रहे हो आप, वो वाली रोड पार करके आया है। तो बज रहे एक पहुंचा है कोसी, तो अब मैंने सोचा करा दूं गाड़ी की सर्विस, तो अब हो रही है सर्विस फिलहाल, तो ये पहले इसकी सर्विस करेंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी की पूरी डीजल वॉश, केरोसिन ऑयल वगैरह सब के साथ, मतलब अच्छी तरह आज वॉश करनी है गाड़ी, और पिनस वगैरह भी ग्रीस वाले बंद हैं, वो भी पहले कराते हैं सर्विस। तो हो चुकी है मस्त वॉशिंग भाई, डीजल प्लस कैरोसिन, फिर भी अब थोड़े थोड़े दागे जो ना दिख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं कराई थी, प्लस बैड लक बरसात भी स्टार्ट होगी सर्विस करते ही। तो सर्विस करते ही निकला है, तो अब ग्रीस करानी है, और सीन ऐसा हो गया जो बरसात होगी ना भाई पूरा मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि गाड़ी अभी थोड़ी देर चलेगी ना हाईवे पे, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ चढ़ जाएगा गाड़ी पे फिर से। चलो देखते हैं क्या रहता है अब। तो चल रही है गाड़ी में ग्रीजिंग। वाह भाई, मैंने तो बरसात लगते ही गाड़ी रोक दी क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाती, अब देख लो आप गाड़ी पूरी चल, और डालना यार थोड़ी थोड़ी डालते हैं। तो ग्रीसिंग है जो वो हो रही है, करा रहे हैं भाई ग्रीसिंग, और मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया, तो मैं देखता हूँ मैं आगे किसी ढाबे पे जाके गाड़ी पार्क कर देता हूँ, क्योंकि आज रात भी लोडिंग अपनी दिल्ली से नहीं होगी, दिल्ली अब बचा ही क्या है 193 किलोमीटर, सो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। रश्मि भाई भी आगे से आ रहे हैं, अभी वो अम्बाला पहुँचे हैं, तो आगे किसी अच्छे से ढाबे पे गाड़ी लगा के रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं अपना, उनके लिए भी बनाते हैं। तो मौसम बहुत मस्त हो रखे है ना, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, हो गया गुड। हाँ ऐसे ही करो मेहनत से भाई। तो अब मैंने सोचा टायर वाला भी यहाँ है, तो टायरों की साइड करा देते हैं आगे वालों की चेंज, क्योंकि टायर गाड़ी गलत खा रही है बहुत। तो फिलहाल एक टायर है जो इसकी साइड हो चुकी है चेंज, बाकी बाइक भाई क्या टायर भी बनाए, लेकिन इस टायर ने कितना तंग किया, कितना टाइम लग गया इसको खोलने में, अभी दूसरा तैयार है ना। भारत बेंज के हर टायर में ऐसा होता है, इसकी रिमी में ये पंगा है कुछ। हाँ डन। तो हो चुकी है शाम, तो पार्किंग लाइट दो और लगा दी मैंने इस साइड में, क्योंकि किसी जगह जब गाड़ी पार्क करता है बंदा, ये जो अपनी लाइट है ना इससे विजिबल, मतलब विजिबल नहीं होती है ये पीछे वाली गाड़ी को, और ये जो है इससे थोड़ा दिखाई देगा। तो फिर चलता हूँ मैं थोड़ा आगे किसी ढाबे पे रुकते हैं, पहले यहीं पे एक चाय होके जाए भाई, चाय दो।
भाई साहब, भाई ने ना मौज कर दी एमकेसी गुजर, बहुत मजा आ गया भाई। आरजे वाला भाई मिल गया भाई से, मैंने बोला हरन पे हरन मार, दो चार हरन मारे बट मस्त मजा आ गया। तो आगे रुके एक अपना मावाती होटल था, सोचा कुछ खा लेते हैं, फोन बनाएगा अपना। तो अभी अपना चिकन और मटन आ गया, खाते हैं फिर देखते हैं। गाड़ी फिलहाल बुक की है पार्क। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ, बज रहे हैं रात के 1:30, तो अभी हम KMP पे हैं, तो थोड़े ही समय में डेसना से अपने लेफ्ट हैंड ले लेंगे अपने गाजीपुर मुर्गा मंडी के लिए। तो पहले मुझे लगा कि मेरी आज रात की लोडिंग है, तो आज रात की नहीं थी, फिर मुझे लगा कल रात की होगी या नहीं होगी, फिर ऐसे ही कॉल आया कि हाँ भाई कल रात की आपकी मंडी कन्फर्म है, मतलब कल रात की लोडिंग है आपकी। In 2 kilometers, take exit 7 onto NH9 towards Ghaziabad. Okay, गूगल। तो आप देख रहे हो अभी KMP पे कितनी ज्यादा फोग है भाई साहब, नजर ही नहीं आता, विजिबिलिटी ना पूरी लो आ रखी। यहाँ भाई इशारे छोड़ दे, चारू छोड़ दे, देख के नहीं छोड़ा कर ऐसे, चल जाने दे, आराम आराम से जाने दे, पूरी मात्र हो गाड़ी और लाइन में रख, चल सीधा चल। तो जाते हैं भाई अपने मंडी, अभी चला रहे हैं वसीम भाई गाड़ी। और एक और स्पेशल बात, क्योंकि हमेशा हम मतलब भूल जाता है बंदा KMP से गाजीपुर मंडी जाने के लिए, अगर आप वहां से आते हो पलवल वाली साइड से, तो आपको पलवल से आना है सीधा भाई KMP पे, अराउंड 100 KMP पे अराउंड आपको 80 किलोमीटर चलना है, तो उसके बाद आपको डसना वाले कट से NH9 पे उतर जाना है, तो वो सीधा आपको गाजीपुर मुर्गा मंडी पहुँचाएगी। तो यहाँ से इस कट से उतरना पड़ेगा, आगे से मैं दिखाता हूँ आपको Towards Ghaziabad. जो गाजियाबाद वाला आपको दिखा रहा है 100 मीटर के बाद गाजियाबाद वाले रोड पे उतरना है। तो भाई आप बराबर वो जो आगे गाड़ी खड़ी है उसके आगे गाड़ी, हमें यहीं से उतरना है भाई, उतर। जैसा कि मैंने बोला था कि रश वाला रोड है, अब यहाँ से गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा, हापड़ वाला रोड है ये, यहाँ को अगर वापस जाएंगे तो हापड़ मुरादाबाद वगैरह है। और ये वाली गाड़ी ने ना इतना भयानक पास मुझे किया, और लोहे के रोल देखो कितनी बड़ी शीट्स भरी हुई है। तो अपना ठीक 23 किलोमीटर बाद हम मंडी में पहुंच जाएंगे, फिर जाके आराम से एंड तसल्ली से सो जाएंगे। तो ठीक बज रहे रात के 2, तो आज तो मंडी इस टाइम बिल्कुल ना खाली पड़ी है, ऊपर से बरसात शायद हुई है, पूरा ना कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। अब बाहर आना था, समझ नहीं आ रही है कैसे आए भाई। तो लगाते हैं गाड़ी, देखते हैं लोडिंग अपनी अब कब होगी। बहुत ही कचरा है भाई आज इस मंडी में, उफ उफ उफ, देख रहे हो भाई ऊपर से चूहे ना भाई, इतने लंबे लंबे। ये गाड़ी और मैं साथ साथ चल रहे हैं यार, लास्ट में चक्कर में ये भी मेरे साथ, वो अपनी दूसरी गाड़ी भी उधर। तो पता नहीं आज अपनी एक और गाड़ी भी वो खड़ी है, वो देख लो भाई अल जहूर, तो होगी उसकी लोडिंग होगी, मेरी भी हो सकती है उसकी भी, कोई इस बारे में नहीं कह सकते। देख लो चिकन में बर्फ ठीक ठाक तरीके से और पैकिंग इस साइड में हो रही है। तो मैं फिलहाल करता हूँ गाड़ी पार्क। तो गाइस बज रहे रात के 2 बज रहे ना 3, तो बज रहे रात के 3, तो एक और गाड़ी भी अपनी जाँच पे लगी है। फिलहाल मैंने सोचा माइनस कर दें भाई, थोड़ा सा AC चला दें और फिर अच्छे से सो जाएं, तो गाजीपुर मंडी में पहुंच जाए। तो अब सोते हैं, देखते हैं कब की लोडिंग रहेगी। लोडिंग इस बार भाई 110% लद्दाख की होगी। हाँ भाई लास्ट ट्रिप भी मैं लद्दाख का भर के गया, बट रास्ता बंद था तो फिर नहीं जाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पेज को भी कर दें फॉलो, और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।